नोट प्रचलन से बाहर करने की बात करिए, 20 सितंबर के से बाहर हो जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उसका परिणाम लगातार हम सबको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सारे कठिन समय में भी अर्थव्यवस्था में प्रगति रुकी नहीं। जहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो काला बाजारी और तमाम प्रकार से भारत के लचर व्यवस्था के कारण से काला धन और तमाम प्रकार की जो तस्करियां ये सब होते थे, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, किस प्रकार से भुखमरी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर बेरोजगारी बेगारी बढ़ी है, ये हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी RBI ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20,000 रुपये प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसने कोई पैनिक भी न फैलाए और इस प्रकार के निर्णय राष्ट्र हित में है, इनका सबको स्वागत करना चाहिए। प्रचलन से बाहर कर दिया तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा, और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए, कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे आते हैं हमेशा। सर, क्या लगता है जो जमाखोरी और भ्रष्टाचार उस पर लगाम लगेगी इस बड़े कदम से? बहुत कुछ लगी है पहले भी और चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट जमीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए, वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका, तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा, जो 2014 में हमारी सीटें आई उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तो जो रिजर्व बैंक ने जो बात कही है कि ये फ्रेश नोट आए, नोट क्लीन की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये सब किया गया है। दूसरी, मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इससे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसको नए नोट मिल जाएंगे, एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि किसी के पास ब्लैक मनी है, किसी ने छुपा के रखे है पैसे, तो या तो मार्केट में आएंगे या फिर कहीं नाली में नहर में तैरते हुए मिलेंगे। आपको लगता है जनता पे परेशानी डालने की कोशिश है या फिर अभी भी कोई निर्णय भी कहूँगा कुछ कर्नाटका की हार की खींच भी इसमें खिसियानी बम बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि पिछले बार जो नोटबंदी हुई उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, ना तो आतंकवाद रुका, आतंकवादियों को के पास से भी 2000 के नोट और अन्य नोट पाए गए, उसके अलावा ब्लैक मनी में जहां तक बात आई RBI ने जो जाली करेंसी पकड़ी है उसमें 2000 से ज़्यादा 500 के नोट जाली पकड़े हैं, ये RBI ने ही बताया है। तो पिछले बार नोट जब बंद किया 1000 रुपये के, 2000 का नोट बनाया, नई छपाई में बहुत पैसा खर्च हुआ, उसके अलावा ATM को नए तरीके से सेट करने में बहुत पैसा खर्च हुआ, और 99% जो है परसेंट पैसा वापस RBI में आया, तो इसका मतलब काला धन कुछ भी नहीं था, सारा कुछ वैध हो गया। तो फिर इस वाले काम की औचित्य क्या है? उसमें भी मैंने देखा बड़े लोगों को कोई परेशानी नहीं आई, जो छोटे लोग थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा जमा रहता है, कई हमारी वृद्ध माताएं हैं जो गाँव से 3 महीने में 4 महीने में एक बार नीचे मार्केट आती हैं, उनका जो जमा पूंजी थी वो सारी बर्बाद हुई।
तो इसमें आम आदमी को परेशानी होती है। अनावश्यक रूप से अपने काम छोड़कर बैंक में लगेगा और एक दिन में आप 20,000 से नहीं, क्यों नहीं आप 1,00,000 रुपए एक दिन में अलाउ कर रहे हैं? भाई आपके पास रिकॉर्ड होगा कि इसने 10,00,000 वाइट कराए, मतलब चेंज कराए, 1,00,000 वाइट करा, 2,00,000 वाइट करा, ये कौन सा तुगलकी फरमान है कि आप 20,000 करेंगे? अगर किसी घर में 1,00,000 रुपए पड़ा उसमें अलाउ करें ना 1,00,000 रुपए एक दिन में वापस, मतलब वो उसका चेंज हो जाए ताकि उसको 10 बार चक्कर न लगाने पड़े। आप क्यों आपने 10 ही नोट की वो, मतलब वो दे रखा कि 10 ही नोट एक दिन में बदलेगा एक आदमी? जिसके पास होगा शो करेगा कि मेरे पास था, कहाँ से था, उसकी जिम्मेदारी, आपको पकड़ने में भी ऐसा नहीं होगी। तो ये 20,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं बदल सकते, इससे केवल और केवल एक आम आदमी को परेशानी होगी, जो कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको परेशानी होगी। आपको लगता है कि एक बार फिर देश की जनता जो है वो परेशान होगी? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पुराने 500 और 1,000 के नोट बंद किए तो एकाएक वो जो है टेलीविज़न में अवतरित हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 500 और 1,000 के नोट जो है आज से चलन से बाहर हो गए। उसके बाद देश में जिस तरीके का वातावरण बना, कई सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और अब फिर एक बार 2,000 का नोट बंद कर दिया। हम तो उस समय भी समझ रहे थे कि आपने 1,000 रुपये का नोट ये कह के बंद किया कि ये बंद होगा तो काला धन आएगा, लेकिन उसके बदले 2,000 का नोट आपने निकाल दिया, तो आपने तो खुद ही जो है काला बाजारियों को जो है संरक्षण देने का काम किया। और आज 2,000 के नोट को भी बंद कर दिया, आम जन को जो है फिर से एक बार लाइन में लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और देश की अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरीके से ध्वस्त होगी। और सबसे ज़्यादा काला धन अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है।